हेलो बच्चों, TWS परिवार के इस मैथ के क्लास में मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ। इस क्लास में बच्चों हम कर रहे हैं क्लास 10th के यूपी बोर्ड के मैथ, जो कि हम लोग मनोहरे बुक से स्पेशली कर रहे हैं बच्चों। तो जिसमें हम लोग अध्याय 3 के प्रश्नावली 3A तक कवर कर चुके थे बच्चों, आज उसके आगे करने वाले हैं, जिसमें एक अगला टॉपिक है बच्चों एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग करेंगे एक रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो बच्चों रैखिक समीकरण का जो हल करने की विधियां हैं वो 3 विधियां सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं बच्चों। पहला है विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा वज्रगुणन विधि। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि, फिर पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, फिर वज्रगुणन विधि। तो इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करते हैं विलोपन विधि को बच्चों। तो विलोपन विधि मतलब एलिमिनेशन मेथड। देखिए जैसा नाम से ही स्पष्ट है, विलोपन, विलोपन का मतलब विलुप्त करना, किसी एक पद को गायब करके हम लोग रैखिक समीकरण का हल निकालेंगे बच्चों। ठीक है, विलोपन मतलब विलुप्त करके, एलिमिनेट करके। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं। तो इसमें देखिए दो समीकरण है, एक्स माइनस वाई बराबर 2 और एक्स प्लस वाई बराबर 2। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरणों से किसी ऐसी संख्या से गुणा या भाग करेंगे जिससे कि एक पद इसका कट जाए, गायब हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें माइनस वाई है, इसमें प्लस वाई है, तो इसमें गुणा करने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं बच्चों, हमें एक पद को बराबर करना पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो इसमें तो ये पद ऑलरेडी बराबर ही हैं और ये भी पद बराबर ही हैं। तो अगर हम इस समीकरण को घटा दें एक दूसरे को बच्चों, जैसे इस समीकरण एक इससे इस समीकरण को घटा दें तो देखिए क्या होता है, चलिए घटाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसको अगर घटाते हैं तो ये एक्स प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस वाई और ये माइनस वाई, माइनस टू वाई हो जाएगा बच्चों, और ये टू माइनस टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो अभी वाई बराबर जीरो आ गया। अब इस वाई की वैल्यू जीरो को समीकरण एक या समीकरण दो में हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर मैं समीकरण एक लेकर आप लोगों को दिखाया हूँ। तो ये देखिए x माइनस वाई बराबर जीरो, वाई अगर जीरो हो जाता है तो x का मान 2। तो इस प्रकार हमारा हल आ जाता है x बराबर 2 और y बराबर 0। तो विलोपन विधि आप लोग इस एग्जांपल के थ्रू समझ गए होंगे, लेकिन इसको आइए हम लोग समझाते हैं ऐसे थ्योरी के रूप में कि विलोपन विधि क्या है। तो विलोपन विधि के अंतर्गत समीकरणों को ऐसी संख्या से गुणा किया जाता है जिससे दोनों समीकरण में किसी एक अज्ञात राशि, जो उसमें बच्चों जो चर होते हैं जैसे एक्स वाई होता है, तो कोई एक जो है दोनों समीकरणों में बराबर हो जाए वो अपने गुणांक के साथ। जैसे अगर एक समीकरण में 3x है, दूसरे में 5x है, तो इसमें अगर हम लोग 5 से गुणा कर दें इसमें 3 से, तो दोनों में 15x आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें या तो x वाला पद, या तो y वाला पद, या x वाला पद, कोई सा भी बराबर करना पड़ेगा गुणा करके। ठीक है बच्चों, तो देखिए जिससे दोनों समीकरणों में किसी एक अज्ञात राशि के गुणांक परस्पर समान हो जाएँ। गुणांक यदि समान चिन्ह के हों, अगर वो गुणांक समान चिन्ह के होते हैं तो समीकरण को एक दूसरे से घटा देंगे बच्चों। ठीक है, घटा कर निकालेंगे। यदि गुणांक विपरीत चिन्ह के हों तो समीकरण को एक दूसरे से जोड़कर हम लोग उसका हल प्राप्त करेंगे, जिसमें एक ही अज्ञात राशि रह जाती है। अगर हम लोग जैसे समीकरणों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो एक पद तो कट जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, इसलिए इसे विलोपन विधि भी कहते हैं, और एक अज्ञात राशि रह जाएगी। इस नए समीकरण को हल करके यह अज्ञात राशि हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, उस समीकरण को हल करके अज्ञात राशि को हम लोग बच्चों निकाल लेंगे। इसके बाद जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात हो जाएगा तो उसको किसी दिए हुए दो समीकरण में से किसी एक समीकरण में उस अज्ञात राशि का मान रख के दूसरे अज्ञात राशि को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आपके एग्जांपल करते हैं प्रश्नावली 3B के। अभी तक हम लोग 3A तक कंप्लीट कर चुके थे बच्चों। ठीक है, 3B का देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें दो समीकरण दिया हुआ है, एक्स का मान निकालना है बच्चों। ठीक है, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। इसमें देखिए
इसको दो को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2i = 1 हो गया, समीकरण दो। अभी हम लोग देखिए, ये समीकरण में और ये समीकरण में ये दोनों समान है और इसके चिन्ह भी समान है बच्चों। तो अगर हम इन दोनों को घटा देते हैं, क्योंकि समान चिन्ह होने पर घटाएंगे, तो समीकरण 1 - समीकरण 2 तो 7x + 2i = 22, तो 2i ये हो गया। तो इसको जब माइनस करेंगे बच्चों तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या, 7x = 21 या x = 21/7 हो जाएगा। तो 7 × 21, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है बच्चों। और y का मान तो पहले से ही दिया हुआ है, y = 1/2 और x = 3 आ गया। ये हमारा हो गया बच्चों आंसर, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक समीकरण 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 को विलोपन विधि से हल कीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पहला, ये दूसरा। अभी देखिए हमको क्या करना होता है विलोपन विधि में, कि किसी भी एक चर को, ठीक है, एक चर को दूसरे चर के बराबर करना होता है। तो इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पे 2y है, यहाँ 4y है। अगर इस समीकरण में हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 4y आ जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर देखिए 4x - 4y = 4। अब देखिए यहाँ पे ये -4y है, लेकिन यहाँ पे +4y है ना, तो अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये एक दूसरे से कट जाएगा, तो इसलिए हम लोग दोनों को जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस, ये तो माइनस है ही, तो ये माइनस ही रह जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल। तो 4 और 3 7x और 10 और 4 14x, तो x = 14/7, x = 2। अभी इस x का मान या तो समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, ठीक है बच्चों। तो समीकरण 1 से देखिए, 3x + 4y = 10, तो x = 2 रखने पर, तो x की जगह पे 2 रख देंगे, तो 3 × 2 + 4y = 10 या 4y = 10 - 6 या y = 4/4, 1। इस प्रकार x का मान हमारा 2 आ गया और y ये इतना आ गया, ठीक है बच्चा। चलिए आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए बच्चों, कि समीकरण एक दिया हुआ है 5x - 7y = 8 और दूसरा 10x + 3y = 33। से x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए और हल कीजिए। विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए, x का विलोपन कर y का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ होना चाहिए बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि y का, एक मिनट, x को विलोपन कर, अच्छा x को विलोपन कर y में जैसे समीकरण ज्ञात करना है, तो ये y में समीकरण हो गया बच्चों, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे x को हमें विलुप्त करना है, तो इस वाले पद को इसके बराबर करना पड़ेगा। तो ये देखिए, अगर इसमें हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ भी 10x आ जाएगा, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर ये हमारा बन गया। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं, तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देते हैं बच्चों। तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि घटा रहे हैं तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो कैंसिल। अभी ये घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 × 3 = 17y = 33 में से 16 जाएगा 17, तो y = 1। अब इसका एक वाई का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे, किसी भी समीकरण में रख के आप लोग निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी वो है, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, ठीक है बच्चों। ऐसा कुछ है नहीं कि आप लोग केवल समीकरण 1 में ही रखना है। तो समीकरण 1 में रख देंगे हम लोग, 5x - 7y = 8 है, तो 5x - 7 × 1 = 8, तो 5x = 8 + 7, तो 5x = 15 या x = 15/5, तो x = 3 और y = 1, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो समीकरण, तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, कि समीकरण ax + by = 2 और bx + ay = 3 में से y को विलुप्त कीजिए और x का मान ज्ञात कीजिए। तो ax + by = 2 को समीकरण 1 मान लेंगे, bx + ay = 3 को समीकरण 2। अभी देखिए समीकरण 1, अब हमें
किसी वाई को विलुप्त करना है, इसका मतलब इस पद को और इस पद को बराबर करना पड़ेगा। तो हम लोग अगर इस वाले में ए से गुणा करते हैं और इस वाले में बी से गुणा करते हैं बच्चों, तो देखते हैं क्या आता है। तो समीकरण एक गुणे ए और समीकरण बी गुणे टू, तो एक इसमें ए का गुणा करेंगे, ए स्क्वायर एक्स ए प्लस ए पी वाई बराबर टू ए, और इसमें बी से करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर 3b। ठीक है, तो अभी इन दोनों को माइनस करेंगे बच्चों, ठीक है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर 2a माइनस 3b। तो अभी इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 2a माइनस 3b, या x बराबर 2a माइनस 3b बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स का मान ही तो ज्ञात करना था, देखिए एक्स का मान ये हमारा आ गया, ये हो जाएगा हमारा आंसर बच्चों, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है 13, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों, की दो समीकरण दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को हल कीजिए। तो ये हमारा हो गया समीकरण एक, ये हो गया। तो अभी देखिए इसमें ये दोनों ही तो एक दूसरे के बराबर है, लेकिन इसमें चिन्ह विपरीत है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो चलिए समीकरण एक और दो को जोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए, ये इससे ये वाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, ठीक है, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी प्लस, तो ये 2x हो गया। अभी देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे बच्चों, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, और ये 2b स्क्वायर हो गया। इनमें से 2 को कॉमन ले लेंगे बच्चों, ठीक है, तो 2 को कॉमन ले लिया, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स का मान इतना आ गया। अब इसे एक्स का मान समीकरण एक या दो में किसी में रख दीजिए, और वाई का मान निकल, तो यहाँ पर मैं समीकरण एक में रख कर किया हूँ, ठीक है, समीकरण एक में रख दिया एक्स का मान, तो एक्स की जगह पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई तो है ही, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर बराबर वाई। तो ये देखिए, ये माइनस बी स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बचेगा केवल ए बी, तो वाई बराबर ए बी, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है बच्चा। ओके चलते हैं, अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि देखिए, ये दिया हुआ है, इसको हल कीजिए, ठीक है, हल कीजिए, ये दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो हम अब देखिए क्या करने वाले हैं, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें एक तो ये समीकरण हमारा दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है समीकरण, तो ये हमारा हो गया समीकरण एक, ये हमारा हो गया समीकरण दो। तो हम लोग समीकरण दो से ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो समीकरण दो हमारा क्या है, ये है, इसमें रूट वाई को इस साइड लेकर जाते हैं, तो 13 माइनस रूट वाई होगा। अभी दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, जिससे रूट एक्स का वर्ग क्या होता है बच्चों, रूट एक्स का वर्ग जो है एक्स होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ एक्स हो गया और 13 माइनस रूट वाई का ये वर्ग हो गया। अभी ये जो एक्स का मान आया ना, ये समीकरण एक में रख देते हैं, तो एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर देखिए, ये है जो हमारा समीकरण एक क्या है, समीकरण एक हमारा एक्स माइनस वाई बराबर 13 है, तो एक्स की जगह पे हमने 13 माइनस रूट वाई रख दिया यहाँ से, ठीक है। तो 13 माइनस रूट वाई माइनस वाई बराबर 13। अभी वाई को हम लोग बच्चों लिख सकते हैं रूट वाई गुड़े रूट वाई, ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते तो वाई को रूट वाई गुड़े रूट वाई, या रूट वाई का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया रूट वाई का स्क्वायर। अभी देखिए ये क्या बन गया, इस वाले फॉर्मूले की तरह बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। इस फॉर्मूले से हम लोग इसको कर लेंगे, तो देखिए ये एक कोष्टक में ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। अभी इसमें देखिए ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 13 बचेगा, और दूसरे में 13 और रूट वाई और ये रूट वाई जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों के आगे नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस 2 रूट वाई, और इधर 13, तो ये 13 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बच जाएगा बच्चों, ठीक है। अभी इस 1 को इस साइड लाते हैं, इस 1 को इधर लाते हैं,
और ये जो रूट वाई है इसको इधर लेकर जाएंगे, तो ये माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, वन इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 13 - 1 बराबर 2√y, 13 - 1 12 आ जाएगा और 2√y है, तो इस 2 को इधर लेकर आते हैं तो √y बराबर 12/2 या 6 हो गया। अभी दोनों पक्षों का वर्क करने पर यहाँ पे कर देंगे बच्चों, कि दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये √y का वर्ग जब करेंगे और ये 6 का वर्ग करेंगे बच्चों, तो √y का वर्ग y होता है अभी बताया, और 6 का वर्ग 36, ठीक है। तो अभी y का मान तो हमारा आ गया, अभी इसे समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर x का मान, तो x माइनस वाई बराबर 13 समीकरण 1 है, y की जगह 36 हमने रख दिया, तो इस 36 को इस साइड लाएंगे, इधर माइनस है तो इधर जाके ये प्लस 36 बन जाएगा, तो x बराबर 13 + 36 तो ये 49 हो गया, तो x का मान 1 49 1 36 ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये विस्थापन विधि, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको हमारी क्लासेस ज़रूर पसंद आ रही होंगी अगर आप इसे मन से देख रहे होंगे, क्योंकि आपको सारी क्लासेस बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई जाती हैं और आपके अभ्यास के लगभग सारे क्वेश्चन को हमारी क्लासेस में हल करवाया जाता है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए बच्चों, और कोई भी डाउट हो रहा है तो हमें कमेंट कर अवश्य बताएँ, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।